Iowa. Lazy the bar. Schizophrenics. This is how we do it, boy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वॉच डॉग्स 2 गेम प्ले वीडियो। तो यार लास्ट वीडियो में आपने देखा कि जो हमारा नेजी था उसका मतलब किडनैप हो गया था। तो यार हमें पता नहीं था कि हमें किसने किडनैप किया है। तो भाई फिर थोड़ी बहुत स्टोरी चली तो वो स्किप करते हुए हम आते हैं मेन पार्ट पे। तो यार हमें किडनैप किया था उन बंदों ने, जो बंदे मतलब हमें इतनी देर से सीसीटीवी से देख रहे थे। तो यार मतलब तुम्हें जो सीन है ना वो अभी देख के पता चलने वाला है कि उन्होंने हमें किडनैप क्यों किया। और भाई जो किडनैप हुआ है वो बहुत सही किडनैप हुआ है। तो गाइस जैसे कि मैं कह रहा था कि हमारा जो किडनैप हुआ था वो बहुत सही हुआ था। तो यार ये बेसिकली एक क्रू है जो कि हैकिंग करता है हमारी तरह। तो इन्होंने हमें किडनैप किया था क्योंकि हमारा टेस्ट ले रहे थे, जो मतलब हमने रिकॉर्ड डिलीट किया वहाँ से। तो ये बंदे सब कुछ देख रहे थे और इन्होंने हमें सेलेक्ट कर लिया अपने डेड सेक क्रू के लिए। तो यार नेजी को भी एक क्रू ज्वाइन करना था, इसलिए वो इन्हें इम्प्रेस करने के लिए वहाँ घुसा और इतना मतलब फाइट वाइट ली और डेटा डिलीट किया। तो भाई अब फाइनली हम इनकी क्रू को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यार इनका क्रू डेड सेक, तो ये भी हैकिंग करते हैं। तो बस अब हमारा क्रू बड़ा हो चुका है तो हम बहुत बड़ी बड़ी हैकिंग्स करेंगे। तो गाइस वो किडनैप नहीं था, मतलब हमें सरप्राइज़ देना चाहते थे। तो इन्होंने हमें उठा लिया ब्लाइंड फोल्ड करके और बीच के किनारे पे लेके आ चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत पार्टी हुई है इनकी और अब पता नहीं क्या डिस्कस कर रही हैं, अपने क्रू के बारे में बता रहे हैं और नई जीन से बात कर रहा है। तो इनकी बात ख़त्म होने का थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं फिर क्या सीन होता है। तो देख सकते हो तुम क्रू में अब हम 5 मेंबर्स हैं, जिसमें कि एक लड़की है और बाकी 3 दोनों को लड़के लग रहे हैं। एक ने तो मतलब फेस कवर कर रखा है। तो भाई मतलब गलत ही सीन होने वाले हैं अब। तो यार यहाँ पे तो इनके नशे चल रहे हैं, तुम देख सकते हो यहाँ पर नेजी को चढ़ चुकी है और नेजी की हरकतें मतलब एकदम नीच हो चुकी है। तो यार यहाँ पर नेजी वो कर रहा है जो उसे कि नहीं करना चाहिए। तुम देख सकते हो खुले में शुरू हो चुका अपना भाई। और यार यहाँ पे एक बंदा मतलब भागते हुए जा रहा था, तो इसे टाइम पूछना था, तो नेजी ने अपना फ़ोन दे रहा था पर नशे में था तो फ़ोन गिर गया। और मतलब इसने भाई देख रहे हो तो मतलब नेजी का फ़ोन चेक किया, उसे कुछ शक सा हुआ है। तो भाई हो सकता है पुलिस का कोई मेंबर हो और नेजी से मजे ले रहा है, कह रहा है तुम भी क्या पुलिस से भाग रहे हो। तो यार मतलब इस बंदे ने ऐसा तो कुछ बोला नहीं है और नेजी कह रहा है कि तुम कुछ जाने पहचाने से हो, पर यार नेजी अभी नशे में है तो उसे कुछ याद नहीं है। तो इस बंदे ने अपना फ़ोन तो रिटर्न कर दिया है पर नेजी को पता नहीं भाई क्या दोहरे पड़ रहे हो। तुम देख सकते हो नेजी ने अपना फ़ोन जो बीच में फेंक दिया। तो यार मतलब पार्टी या कुछ ज़्यादा ही हैंगओवर हो गया इसे। ऐसे जो बीच वाली स्टोरी पार्ट था वो तो ख़त्म हो चुका है और अभी गेम लोड हो रही है। तो अब शुरू होगी हमारी असली जर्नी, क्योंकि ना हमें एक प्रॉपर क्रू मिल चुका है। तो बस अब दबा हैकिंग होगी यहाँ पे और बहुत से मिशंस करने होंगे हमें। तो यार यहाँ पे हम नेजी पे फिर से आ चुके हैं और नेजी अभी फ़ोन में किसी से बात कर रहा है, उसे पता नहीं कि भाई किसके रूम में है और इतने नशे में कि भाई बंदा पूछ रहा है कि मेरा फ़ोन कहाँ है। तो मतलब जिसने से फ़ोन दिया वो कह रही कि तुमने नशे में अपने बीच में फ़ोन फेंक दिया था, तो हमने तुम्हें एक नया फ़ोन दिया है। तो हमें अब जाना है डेड सेक के ऑफिस। तो यार फटाफट से नेजी को यहाँ पर तैयार करते हैं और निकलते हैं डेड सेक के ऑफिस के लिए। तो गाइस यार नेजी के वार्डरोब में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो सिंपल सी एक टैंक और कुछ शॉर्ट्स थे, तो हम वही पहन के बाहर आ चुके हैं, जो कि बेसिकली होते हैं किसके पास, स्टेटस एंड्रेस में सीजे के पास। तो वही यहाँ पर इसका लुक है और क्या बोल रहे हैं भाई, गरीब है थोड़ा तो क्या कर सकते हैं। पर यार सीजे के पास ये बैग नहीं होता जो कि इसके पास है, बस यही डिफरेंस है इसमें और सीजे में। तो फटाफट चलते हैं डेड सेक और देखते हैं आज का मिशन। तो बीच के साइड सीन तो यार बहुत हो चुके हैं, तो हम आ चुके हैं मेन रोड पे। और यहाँ पे जो बेस्ट पार्ट है यार, हम खड़े खड़े हैक कर सकते हैं बंदों के एटीएम से, मतलब पैसे निकाल सकते हैं, अपना बॉटनेट रिचार्ज कर सकते हैं खड़े खड़े। तो यार गेम तो मतलब बहुत सही है। और अभी हम वेट करते हैं एक व्हीकल का ताकि चले हम फटाफट से डेड सेक के ऑफिस। तो यार यहाँ पे मतलब कोई बाइक चाहिए थी मेरे को क्योंकि आ नहीं रही। और भाई ये लो बाइक का नाम भी और बाइक आ चुकी है। तो भाई पहले तो मैंने इसे एक बॉटनेट का रिचार्ज करवा लिया है और अब हाईजैक कर लिया इसकी बाइक और फटाफट से मैं जाने वाला हूँ डेड सेक के ऑफिस, क्योंकि यार अब वेट नहीं हो रहा मेरे से। पहले तो मेरे को देखना है कि भाई जो अपना ऑफिस है वो कैसा है और उसके बाद देखते हैं यार किस लेवल के मिशन हमसे करवाते हैं ये लोग अभी। तो यार डेड सेक के ऑफिस जाने के लिए हमें वहाँ का रूट पता होना चाहिए और भाई अपने फ़ोन में तो मैप इंस्टॉल नहीं है। तो यार यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि हमें एक ऐप इंस्टॉल करना है जो कि नडल मैप्स है, जो कि हमें रास्ता बताएगा जाने का। तो फटाफट से इस ऐप को पहले इंस्टॉल करते हैं यार ताकि पहुँचे हम अपने ऑफिस, क्योंकि मेरे को भाई देखना है कि अपना जो ऑफिस है वो कैसा होने वाला है। तो फटाफट से यार ऐप इंस्टॉल करते हैं। और भाई मतलब मेरे वाईफाई की तो इतनी स्पीड है नहीं, पर गेम में भाई बहुत सही स्पीड आ रही है इसकी डेटा की। जो ऐप है भाई बहुत जल्दी डाउनलोड हो गया। तो फटाफट से चेक करते हैं मैप में। तो यार बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं हमारे फ़ोन में, पर अभी जो काम की है पहले उससे देख लेते हैं क्या है।
तो अभी भाई मतलब पहले हम अपने क्लोथ्स चेंज करने पड़ेंगे ऑफिस जाने से पहले, तो फटाफट से मैप में एक क्लोथ शॉप ढूंढते हैं और चलते हैं फटाफट से शॉप पे। यार अपनी बाइक तो वहाँ से चोरी हो चुकी है, तो फटाफट से हम लेते हैं सामने वाली बाइक और चलते हैं शॉप पे। तो यार यहाँ पे एक फीचर है, मतलब हम मैप्स में अगर हमें जल्दी पहुँचना है तो हम सीधे टेलीपोर्ट होकर जा सकते हैं। तो यार इतनी मेहनत कौन करेगा, हम फटाफट से टेलीपोर्ट होता हूँ और जाता हूँ शॉप पे। तो टेलीपोर्ट होकर मैं आ चुका हूँ शॉप पे, और तुम देख सकते हो मतलब यहाँ पे कुछ लिमिटेड चॉइसेस है बस पैंट्स की। तो फटाफट से एक पिक करते हैं रैंडम और चलते हैं शॉप से बाहर। तो यार यहाँ पे मतलब कुछ खास तो है नहीं, तो यार इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो मैंने ले लिए यहाँ पे वाइट जॉगर्स जो भी है ये, और चलते हैं अब शॉप से बाहर। तो गाइस फाइनली जो हमें पैंट्स चाहिए थी हमने वो परचेस कर लिए और हम शॉप से बाहर आ चुके हैं। तो यार यहाँ से जो मेरे पैसे खर्च हुए हैं बाहर वाले बंदों के एटीएम से लेने वाला हूँ, तो यार इसके एटीएम से तो मैं पैसे निकाल चुका हूँ। और अभी तो मतलब खैर मेरे को इतने पैसों की ज़रूरत है नहीं, और अभी अपना बॉट नेट का रिचार्ज भी लगभग फुल है तो हमें चाहिए नहीं। तो फटाफट चलते हैं यहाँ से बाहर, और जो अपने डेड सेक की इन्फॉर्मेशन है वो भी आ चुकी है। तो चलते हैं डेड सेक के ऑफिस और मिलते हैं अपने क्रू से, और देखते हैं हमारा जो आज का मिशन है वो क्या होने वाला है। तो यार अभी मैं आ चुका हूँ मेन रोड पे, और तुम्हें दिख सकती है यहाँ पे एक वाइट कार है जो कि बहुत तगड़ी लग रही है। तो फटाफट से यार इसे चुराते हैं और निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए। तो गाइस यहाँ पे जितने भी कार्स थी उन कार्स में से डोप यही कार है, तो जो उसका सिक्योरिटी लॉक होता है वो तो मैंने ब्रेक कर दिया है, और मैं कार के अंदर बैठ चुका हूँ। और यहाँ पर मतलब बैठते कार ठोक दी है मैंने। तो यार मैं सोच रहा था कि इसे अपना पर्सनल व्हीकल बना लूँ, पर शायद इसमें ऑप्शन नहीं है इस गेम में कि हम किसी को अपना पर्सनल व्हीकल बना सके। तो कोई दिक्कत नहीं यार, बहुत बड़ा मैप है और अभी बहुत कार्स मिलेंगी हमें, तो लेते रहेंगे यार ऐसी कार्स। तो यार यहाँ पे जो मैंने ब्रेक किया था यहाँ पे सिक्योरिटी लॉक, तो तुम देख सकते हो कि साइड से पुलिस जा रही है, पर उन्हें हमें कोई शक नहीं हुआ क्योंकि हमने बहुत पहले सिक्योरिटी लॉक तोड़ दिया था और मामला ठंडा हो चुका था। तो अब तुम देख सकते हो कि हमारे मैप में हमें लोकेशन आ चुकी है और वे पॉइंट भी दिख रहा है। तो चलते हुए पॉइंट को फॉलो करते हैं और अपने ऑफिस चलेंगे और मिलेंगे अपने क्रू मेंबर्स से। तो गाइस इस कार का सिर्फ लुक डोप नहीं है, इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, तुम देख सकते हो काफ़ी अच्छी चल रही है। यहाँ पे हैंडलिंग्स भी इसकी ठीक ठाक है, और यहाँ पे जो बेस्ट है वो ये है कि मैं ट्रैफिक सिग्नल्स को भी हैक कर सकता हूँ। तो रेड लाइट पर मेरे को रुकने की ज़रूरत तो है नहीं, पर मैं रेड लाइट पर वैसे भी नहीं रुकता, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पर ट्रैफिक हैक करने में। और कार तो यार काफ़ी अच्छी चल रही है, पर मैं इसे पर्सनल व्हीकल नहीं बना सकता तो क्या करूँ। और यहाँ पे मतलब मैंने कार को यार बहुत ठोक दिया, और तुम ये देख सकते हो यहाँ पे दीवारों पे कितनी ग्रैफिटी कर रखी है। तो भाई यहाँ पे फोटोशूट कर रहे होंगे बंदे अपना, इसलिए इतना चमका रखा है यहाँ पे। तो अब मैं बहुत करीब आ चुका हूँ, सिर्फ 30 मीटर दूर हूँ मैं अपने ऑफिस से। तो अब कार को मैं यहीं पर खड़ा करता हूँ बीच रोड में, क्योंकि भाई बहुत बड़े हैकर हम यहाँ के। तो तुम देखो अब मेरा ऑफिस, तो इस बिल्डिंग का मैं अंदर एंटर करना है, तो मैं अंदर एंटर हो चुका हूँ। और ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो कि मतलब ताकि किसी को शक ना हो, और अंदर है हमारा सीक्रेट डोर। तो फटाफट से एंटर करते हैं अपने ऑफिस के डोर से और देखते हैं अंदर का जो सीन है वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पर शायद अपना फिंगरप्रिंट सेंसर लगा रखा है इन्होंने, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि इसने कुछ पासवर्ड टाइप किया, इसे सिर्फ फिंगर सेंसर पर टैप किया। और हम आ चुके हैं अपने ऑफिस के अंदर, तो भाई यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन हो चुकी है, और ये लो भाई सीधा हम ऑफिस के अंदर आ गए हैं। और तुम देख सकते हो मतलब भाई कितना मैसअप है, इतने सारे रिकॉर्ड्स इन्होंने रखे हुए हैं और सारे अपने अपने काम में बिजी है। तो भाई फाइनली हम अपने ऑफिस के अंदर आ चुके हैं और अपने चारों मेंबर्स यहीं पे हैं। तो गाइस अभी हमें जाना है रेंच के पास और उससे कुछ बात करनी है यहाँ पे, तो फटाफट चलते हैं रेंच के पास और देखते हैं उसे क्या बात करनी है हमसे। तो यार यहाँ पर हम ज्वाइन हुए हैं, तो इन्होंने एक ऐप बनाया है रिसर्च ऐप, जिससे कि हम अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो रेंच हमें उसी ऐप के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि हम उसमें रिसर्च कर सकते हैं और अपने जो स्किल्स हैं उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो भाई मतलब काम का है बहुत ऐप। तो अभी इससे बात हम फटाफट ख़त्म करते हैं और यूज़ करते हैं उस रिसर्च ऐप को, और देखते हैं भाई कौन कौन सी स्किल्स है जो हम अपग्रेड कर सकते हैं। तो तुम देख लो यार खुद ही कि यहाँ पे कितने सारे स्किल्स हैं जो कि हम अपग्रेड कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 6 या 7 स्किल्स हैं। तो यार अभी तो सब कुछ सही है, बस कार की स्किल्स जो है तो हमारी थोड़ी लो है, तो फटाफट मैं पहले उन्हें अपग्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी व्हीकल डायरेक्शनल हैक को अपग्रेड किया है, तो अभी ये अपग्रेड हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं यार कब तक अपग्रेड होता है। तो फाइनली यार यहाँ पे मैंने अपने अपग्रेड के लिए लगा दिए और थोड़ी देर में अपग्रेड हो जाएगा। तो तुम देख रहे हो मतलब काफ़ी सही है यार अपना क्रू। तो यहाँ पे मतलब हो चुका अपना अपडेट, अब एग्जिट करते हैं ऐप से और देखते हैं मतलब क्या सीन होता है। तो यार हमारी जो स्किल लेवल तो अपग्रेड हो चुकी है, अब हमें दोबारा रेंट से बात करनी है। तो यार हम रेंट से अभी यहाँ पे बात करते हैं,
तो रेंच कह रहे हैं कि उनके पास कुछ और टेक्नोलॉजीज है जो कि हमें हेल्प करेंगी। तो यहाँ पे एक 3D प्रिंटर है जिसमें से हमें प्रिंट करना एक RC जंपर और एक वेपन। तो भाई RC जंपर एक ड्रोन टाइप है जो कि हमें मतलब हेल्प करेगा, हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं दूर से मतलब चीज़ें देखने के लिए। तो यार यहाँ पे मैंने RC जंपर को प्रिंट करने के लिए लगा दिया है और थोड़ा टाइम लगेगा अभी RC जंपर को प्रिंट होने में। तो मतलब सही है यार, हमें इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, तो क्रू तो भाई फुल सपोर्टिव है अपना। तो अपना RC जंपर जो तुम देख सकते हो प्रिंट होकर आ चुका है यहाँ पे, और अब बारी है सिर्फ एक वेपन प्रिंट करने की। तो सही है यार, अपने पास सिर्फ एक स्टन गन थी, अब एक पिस्टल भी होगी अपने पास, तो भाई फुल बूम बाम सिंग कर देंगे हम। तो गाइस यार यहाँ पे एक नॉर्मल सी पिस्टल है जो कि हमें अभी मिलेगी स्टार्टिंग में, तो मैंने इस पिस्टल को ही प्रिंट करवा लिया क्योंकि यार बाकी जो गन्स थी थोड़ी महंगी थी, तो इसको लेके चलते हैं। और तुम देख सकते हो भाई नेजी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, और भाई यहाँ पे बस गलती से चलाने दे वरना एक क्रू मेंबर यहाँ पे कम हो जाएगा। तो यार अपना जो मेन काम है वो यहाँ पे हो चुका है, तो फटाफट ऑफिस से बाहर निकलते हैं और करते हैं कुछ तबाही वाले सीन्स। तो गाइस यार ऑफिस का सारा काम करके हम आ चुके हैं ऑफिस के बाहर, और यहाँ पर रात हो चुकी है, और तुम देख सकते हो कि हमारा जो एक मिशन है वो भी आ चुका है। तो फटाफट से हम मिशन की लोकेशन सेट करते हैं और चलते हैं मिशन पे। तो जो अपना मिशन है वो बहुत सिंपल तो नहीं कह सकते क्योंकि FBI से रिलेटेड है, हमें FBI में अपना एक बंदा फंसा हुआ है उसे वहाँ से निकालना है। तो फटाफट चलते हैं मिशन की लोकेशन पे और करते हैं कुछ तबाही सीन्स। तो यार तुम यहाँ पे रुको ज़रा, मेरे को मार्क लगाने दो और चलता हूँ फिर मैं। तो भाई ये जो कार है तुम देख रहे हो मतलब कितनी पुरानी कार है, तो यार अपनी क्या इज्जत रह जाएगी, हम इतने बड़े हैकर हैं और इतनी पुरानी कार में जाएंगे। तो यार चलता हूँ मैं थोड़ा आगे की तरफ और देखता हूँ एक अच्छी सी कार जिसको मैं लेके चलूँगा अपनी मिशन की लोकेशन पे। तो यार फिलहाल तो मेरे कोई कार नहीं दिख रही है, मेरे हाथ में गन देख के तुम देख सकते हो बंदे कैसे डर रहे हैं यहाँ पे। तो यार यहाँ पे मैंने इस कार को हैक तो किया था, उसे रोका भी था पर वो कार चली गई। और भाई तुम ये देख रहे हो एक रेड कार मेरे को यहाँ पे दिखी है जो कि मेरे को पसंद आ गई। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसी कार को लेके चलूँगा मिशन की लोकेशन पे, पर यार अपनी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, तुम देख सकते हो कार भी यहाँ से निकल चुकी है। तो यार मेरा गुस्सा आ रहा था, मेरा मन कर रहा था मैं इस लड़की को वहाँ पर शूट कर दूँ, पर मैंने कहा छोड़ो यार, अपन हैकर है क्रिमिनल नहीं है, मर्डरर नहीं है। तो उसे मैंने छोड़ दिया, क्रिमिनल तो है मतलब मर्डरर नहीं है, तो मैंने इसे यहाँ पर छोड़ दिया। और भाई मैं गुस्सा निकाल रहा हूँ इन बंदों पर, इनका कैश और इनका बॉटनेट का रिचार्ज लेके। और तुम यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक्सीडेंट कर दिया है, मैंने स्कूटर वाले को गिरा दिया उसके स्कूटर से। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ अपने लोकेश की तरफ पैदल, और जैसे कोई कार दिखती है उसे रोकूंगा। तो यार यहाँ पे फिर से एक रेड कार दिखी मेरे को और इसे मैं नहीं जाने दूंगा हाथ से। तो मैंने इस कार को यहाँ पे रोका और फटाफट चलता हूँ और करता हूँ कार के अंदर एंटर। और भाई जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा तो भाई इस बंदे ने फिर से भगा ली थी, पर मैंने फिर से कार को हैक करके रोका और अब मैं इस कार को कर लिया हाईजैक। और अब चलेंगे हम मिशन के लोकेशन पे फुल स्पीड से। तुम देख सकते हो और कार का मॉडल काफ़ी अच्छा है और स्पीड भी यार अभी तक मेरे को ठीक ठाक लगी है, लेकिन पिकअप स्पीड तो बहुत सही है इसकी। तो यहाँ से लोकेशन भाई कुछ 1500 meters दूर है, तो यार थोड़ा टाइम तो लगेगा हमें। तो कोई बात नहीं यार, तुम अपने भाई की ड्राइविंग एंजॉय करो और देखो मैं कैसे पहुँचता हूँ फटाफट से लोकेशन पे। तो गाइस यार ये वाला मिशन जो है वो थोड़ा बहुत मतलब डिफ़िकल्ट तो होगा क्योंकि हमें FBI से अपने बंदे को छुड़वाना है, तो सिक्योरिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर मतलब पहला ही मिशन है और देखते क्या होता है वहाँ पे। पर कुछ भी हो यार तुम्हें फुल मज़े आने वाले हैं क्योंकि तुम्हारा भाई जो भी करता है फुल स्वैग के साथ करता है। तो बस फटाफट से पहले पहुँचते मिशन की लोकेशन पे और देखते हैं फिर मिशन का क्या सीन है। तो गाइस बहुत देर से ड्राइव करने के बाद फाइनली हम मिशन की लोकेशन पे आ चुके हैं। और यहाँ पे यार मैंने जब मिशन स्टार्ट किया तो यहाँ पे मतलब कुछ रैंडम बंदे मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, तो होपफुली यार कोई आ जाए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो थोड़ा वेट करते हैं, अगर नहीं आता तो फिर भाई वन मैन आर्मी की तरह करेंगे इस मिशन को। तो फिर यार थोड़ा सेफ खेलेंगे ताकि यार पहले मिशन जो फेल ना हो, अगर कोई बंदा ज्वाइन करता तो बिंदास घुसेंगे और मारेंगे इन गार्ड्स को, पर अगर कोई नहीं आता तो मैं थोड़ा मतलब पहले हैकिंग वैकिंग से बंदे मारूंगा उसके बाद जाऊंगा अंदर। तो यार मैंने कार में बैठे बैठे यहाँ का जो CCTV है उसे हैक कर लिया और मैं CCTV के थ्रू यहाँ पर गार्ड्स चेक कर रहा हूँ। और तुम पता ही है तुम्हारा भाई बहुत बेशरम है, तुम देख सकते हो यहाँ पर बैठे बैठे मैं मतलब उनके एक्सेस की चुरा रहा हूँ, उनके बॉटनेट का रिचार्ज ले रहा हूँ। तो यार अभी मैंने एक और CCTV हैक किया और सामने तुम देखते हो बाहर मैं बैठा हुआ था। और यहाँ पे मतलब ये है मेन जगह जिसे हमें फ्री करना है, यहाँ पे जो प्रिजनर कैद है। और यहाँ पे सिक्योरिटी तो यार बहुत टाइट है, तो मैं थोड़े बहुत ट्रैप्स सेट करता हूँ ताकि जो बंदे वो अट्रैक्ट हो, और मतलब थोड़े बहुत गार्ड्स को मैं यहाँ पे कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यार अभी तक तो किसी ने मेरे को ज्वाइन नहीं किया, तो शायद ये मिशन मेरे को अकेला करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत से ट्रैप्स सेट तो किए हैं यार, बस अब बंदे इस पर अट्रैक्ट हों और एक आध बंदा मतलब ब्लास्ट हो जाए इनके साथ, तो भाई यहाँ पे जो सीन है वो बहुत गड़बड़ होने वाले हैं क्योंकि गार्ड्स यार बहुत ज़्यादा है और ऊपर से पुलिस को अगर इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया तो और फोर्स आ जाएगी इनकी।
तो अभी तो मैं यार बाहर आ चुका हूँ अपनी कार में वापस, क्योंकि मैंने पूरा सीन देख लिया है, तो मेरे को थोड़ा मतलब आराम से करना पड़ेगा ये मिशन। तो अभी यार कार को अपनी साइड में लेते हैं और करते हैं थोड़ी गड़बड़। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो उन्होंने कार को आगे कर दिया उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो अभी मैं कार से उतरता हूँ और चलता हूँ थोड़ा साइड में और देखता हूँ यार क्या पता कोई एंट्रेंस हो जहाँ से मैं जा सकता हूँ छुपके। तो भाई यहाँ पे गुड न्यूज़ है, एक प्लेयर हमें ज्वाइन कर रहा है, तो यार वेट करते हैं इसके ज्वाइनिंग का और तब तक हम देखते हैं ज़रा क्या क्या कर सकते हैं हम। तो यार मैं सोच रहा हूँ हमारे पास जो एक जंपर था हम उसे एक बार अंदर भेज के देखते हैं कि यार क्या सीन है। तो फटाफट से मैं अपने जंपर को ऑपरेट करता हूँ और देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकता हमारे जंपर। तो भाई मेरे को लगा था यार ये उड़ेगा, पर ये भाई सही में जंपर है, बस छोटी मोटी जंप कर सकता है। और यहाँ पर तुम देख रहे हो दो बंदे बैठे हुए हैं, तो इनसे थोड़ी चैटिंग और इनसे बोट नेट का मैंने रिचार्ज ले लिया। और तुम वो जो ग्रीन बंदा देख रहे हो, तो यार एक हेल्प हमें आ चुकी है इस बंदे की। तो अभी रुक जाओ थोड़ा, पहले जंपर से स्कैन करते हैं अंदर ही क्या क्या सीन है। तो मतलब यार जंपर से भी हमारे पकड़े जाने का खतरा है, क्योंकि तुम देखते हो हमें वार्निंग आ चुकी है कि हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस रहे हैं। और ग्रीन वाला बंदा भी अभी गार्ड्स को चेक कर रहा है, तो सही है यार वो भी थोड़ा स्लो खेल रहा है। तो भाई ग्रीन वाला बंदा आ चुका हमारे पास और अब टाइम है सीधा अंदर घुसने का। तो मैंने भाई जैसे कि कहा था कि अगर एक भी बंदा आता तो हम सीधा अंदर घुसेंगे और सबको मारेंगे यहाँ पे। तो भाई वेट करते हैं, क्योंकि ये बंदा मतलब काफ़ी सही लग रहा है मेरे को, क्योंकि आ चुका अपनी हेल्प के लिए। तो भाई ये बंदा भी हमारे तरह माइंड सेट करके आया है, इसे भी सीधा मतलब फ़ाइट लेनी है। तो इसने भाई मेन गेट से हम अंदर घुस चुके हैं और एक बंदे को मैंने यहाँ पर डाउन कर दिया है, फिर मैंने दूसरे बंदे को भी कर दिया डाउन। तो भाई देखते जाओ सब यहाँ पर कितने मिनट की हमें मौत होने वाली है। तो भाई यहाँ से गिरने वाला बंदा तो भग चुका है, तो शायद इस साइड गार्ड ज़्यादा है। तो मेरे को एक गार्ड दिख रहा है यहाँ पे, अब देखो तुम्हारा भाई कैसे मारता है उसे। तो भाई इसे हम हेडशॉट देंगे ताकि भाई बिना गोली वेस्ट किए जल्दी मरे ये। तो यार यहाँ पे थोड़ी बहुत गोलियाँ वेस्ट हुई, पर मैंने उसे मार दिया है। और सामने तुम देख सकते हो कि भाई इन्होंने अलार्म बजा दिया और यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले आने वाले हैं। और भाई जिसके अंदर अपना प्रिजनर है भाई, वो गेट अभी बंद है, तो पहले हमें सॉकेट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे तुम देख सकते हो यार इनके पास जर्मन शेपर्ड्स भी है जो कि हमें मारने आ रहे हैं, तो यार हमें मारना पड़ेगा उसे भी। और यहाँ पे भाई पुलिस फोर्स जो बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्होंने जो अलार्म तो उसे ऑन कर दिया था। और यहाँ पे इनके एक रॉबोट भी था जिसे उन्होंने मार दिया है। तो यार अभी तो मैं टनल में आ चुका हूँ, मेरे को यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा। तो सामने तुम देख सकते हो एक गार्ड है जो कि हमारे सामने ऊपर चढ़ रहे थे पीछे है, तो भाई इसे भी मैंने यहाँ पर मार दिया है। और यहाँ पर मतलब काफ़ी गार्ड्स कम हो चुके हैं और अब बस वो गार्ड्स आएंगे जिन्हें कि अभी बुलाया गया है। तो यार यहाँ पे मतलब बहुत गलत सीन हो जाएंगे अगर जल्दी से हमने इसे ऑन नहीं किया। तो भाई अपना जो प्लेयर था उसने यहाँ पे कर दिया भाई पूरे सॉकेट को ज्वाइन, और जो प्रिजनर है मेरे को फ्री करना है। तो फटाफट से फ्री करता हूँ और लेके चलता हूँ यहाँ से। तो भाई हमने इसे तो फ्री तो कर दिया, अब हमें यहाँ से एग्जिट करना था कि जो अपना मिशन है कम्प्लीट हो। तो भाई अब जितने भी गार्ड्स आने वाले हैं उसकी हमें बहुत बुरी पिटाई होने वाली है, हमें करना है यहाँ से एग्जिट, मार्केट निकलना पड़ेगा। तो यार यहाँ पे तुम देख सकते हो कितनी बुरी हालत हो चुकी है, मतलब भाई हर साइड से गोलियां पड़ रही है हम पे। तो यार कवर लेके खेलना पड़ेगा हमें। कोई बात नहीं यार, अब बचे बहुत कम गार्ड्स हैं, तो उन्हें फटाफट मारते हैं और निकलते हैं यहाँ से सेफ। तो यार अभी तुम देख सकते हो कि सामने की तरफ एक गार्ड कवर लेके मार रहा था, तो मैंने उसे डाउन कर दिया और दो गार्ड बचे रहे मारता हूँ। तो यार एक गार्ड और डाउन हो चुका है, जो लास्ट गार्ड है वो भी आया और अपने जो टीममेट था उसने उसे मार दिया है। फटाफट से यहाँ से गाड़ी लेते हैं और निकलते हैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर, ताकि जो हमारा मिशन हो कम्प्लीट हो जाए। तो यार इसी बंदे के साथ निकलते क्योंकि थोड़ा बंदा सही है। तो फटाफट से बैठते इसकी कार में और निकलते हैं यहाँ से। तो भाई मतलब पुलिस की गाड़ी लेके हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। तो भाई हम पहले ऐसे हैकर क्रिमिनल से जो कि मतलब पुलिस की गाड़ी से एग्जिट कर रहे हैं, तो देख रहे हो। तो मैंने कहा था ना तुम्हारा भाई हर काम स्वैग में करता है। तो भाई हमें बस इस ऑरेंज एरिया से बाहर निकलना है ताकि ये मिशन कम्प्लीट हो जाए। तो गाइस तुम देख सकते हो वहाँ से सेफ आ चुके हैं, पर जो पुलिस है वो भी हमारे पीछे पड़ी हुई है। तो यार थोड़ा मतलब वेट करते हैं पुलिस के हटने का और फिर जो सीन है वो डन हो जाएगा। तो यार ये बंदा देख रहे हो तो मतलब अलग ही नशे में गाड़ियाँ चला रहा है भाई, कहीं भी ठोक रहा है। मतलब यार बंदा तो सही है पर ड्राइविंग इसकी भी सलेमान भाई जैसी है। तो गाइस हम थोड़ा दूर आ चुके हैं उस लोकेशन से और मैंने गाड़ी से एग्जिट कर लिया, क्योंकि भाई इस बंदे की ड्राइविंग को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो मैं बैठा हूँ अपनी गोस्ट राइडर पे और भाई तुम देख तो बाइक में बैठती हमारा जो मिशन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस यार आज की वीडियो को हम इसी मिशन पे एंड करते हैं। और यार मेरे को पता नहीं कि इसमें बंदों को ऐड कैसे करते हैं, तो यार मतलब अगले मिशन भी इस बंदे के साथ ट्राई करेंगे खेलने की, तो देखते हैं यार हो पाता है या नहीं। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना वीडियो को। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आयो लेज़ी द बा स्किलोफ्रेनिक्स दिस इज हाउ वी डू इट बॉय।